कैसे हो भाई सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और आईपीयू का लीड का एग्ज़ाम आ चुका है 2022 का, 19 तारीख को ही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविज़न आप लोगों को करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। हमारे सामने ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, फ्यूल्स, वाटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, मेटल्स, एलॉय, कोरोजन, एसिड बेस एंड हमारा पॉलीमर्स, हम लोगों को देखने को ये मिल रहे हैं। यही टॉपिक्स बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2021 में यहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, 2021 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था केमिस्ट्री का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2022 में नहीं आएंगे। 5 से 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, 5 से 8 क्वेश्चन आने की केमिस्ट्री में उम्मीद है। 2019 में 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, सेम ऐसे ही 2016 से हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 2021 में नहीं आए थे, कोई बात नहीं, बट हम इस बार ये उम्मीद करके चलते हैं कि 5 से 8 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। अच्छा, इसका सिलेबस ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ठीक है अपनी जगह पर, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इसके क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो आते हैं एग्जाम में, वो मतलब हो सकता है कि जनरल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए हमसे, हो सकता है कि कुछ अटपटे से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाए और जिसका आंसर या हमने कभी क्लास में वो नहीं किए हों। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा पोर्शन हमारा केमिस्ट्री का इसमें आता भी नहीं है। अगर यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और उसमें से आप 4 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, बेसिक पढ़ करके, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी है। तो मैं आज उन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि उन 4 से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम लोग कैसे करें जो बेसिक से आते हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को हम जान लेते हैं कि इन टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्वांटम नंबर के ऊपर आता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 4 तरीके के क्वांटम नंबर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। चारों के चारों क्वांटम नंबर आप लोग रिवाइज करके जरूर जाना, बिना रिवीजन के मत जाना इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन क्वांटम नंबर से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिसिटी अगर हम बात करें, तो पीरियोडिसिटी में मैंने आप लोगों को बताया था साइज के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो साइज के क्वेश्चंस को देख लेना। एटॉमिक मास के ऊपर आ जाता है कि एटॉमिक मास मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फ्यूल्स, अच्छा वाटर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो वाटर को तो बिल्कुल रिवाइज करके ही जाए, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम कभी पूछा गया है, कभी नहीं भी पूछा गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स में से 2 क्वेश्चंस मेरे को पिछले प्रीवियस ईयर्स में मैंने को देखने को मिले कि हाँ भाई मेटल में से क्वेश्चन आया है। एलोए में से मेरे को 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इन 5 से 6 सालों के जो मैंने पेपर देखे हैं। कोरोजन से नहीं आया, और एक चैप्टर हमारा 10th चैप्टर है यहाँ पे, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में से हर साल जब भी पेपर बना है, मैंने कोई ही साल ऐसा देखा होगा जिसमें से एसिड और बेस में से क्वेश्चन आया हो। तो एसिड और बेस करके जरूर जाना। पीएच वैल्यू जो भी मैंने आप लोगों को कराई हुई है, पीएच वैल्यू के हिसाब से आ सकता है, जिसमें हम लोग लॉग की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पीएच निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। सो एसिड और बेस को बिल्कुल भी ना छोड़ें। पॉलीमर्स में से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता दिए कि कहाँ से ज़्यादा आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस, वाटर में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और इनमें से आप लोग करके जाइएगा। ये बेसिक आप लोगों का है, लास्ट टाइम बचा है, जल्दी से इसे रिवाइज कर लेना। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो एक बार इन चैप्टर्स पे नज़र डाल लेना, और मुझे ये उम्मीद है आप सभी से कि बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ जाओगे। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री के टॉपिक्स में, इतना सफिशेंट टाइम बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। 100 क्वेश्चन में से कितने, 4, 5, 6 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, मतलब 5 से 8 क्वेश्चन की अगर हम उम्मीद लेकर के चल रहे हैं, तो 5 से 8 क्वेश्चन पिछले साल एक भी नहीं आया था, उससे पिछले साल 6 क्वेश्चन आए थे 2019 की बात करें तो। और तो 4-5 क्वेश्चन तो इस तरीके से हमारे को देखने को मिल जाते हैं, बट ये भी नहीं है कि हम लोग बहुत डिटेल में इसे पढ़ें। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन उसमें से ऐसे आते ही आते हैं कि जो आईपी में
जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके लिए पढ़ना भी नहीं है। उन दो क्वेश्चंस के लिए मेन उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो बेसिक हैं, और चार क्वेश्चन अगर वो आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा। दो क्वेश्चन केमिस्ट्री में छूटते हैं तो कोई बात नहीं, आप उन बेसिक्स पे काम कीजिए, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। चलो अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आईपीयू का 2019 का पेपर है लीड का, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अरेंज द एलिमेंट विद देयर डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसमें लिखना है। अच्छा, एटॉमिक मास आप लोगों को मैंने जब याद कराया था, नंबर वाइज याद कराया था, एटॉमिक नंबर से याद कराया था, और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी इसमें कि जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर के 2 टाइम्स अगर हम लगभग ले लें तो हो जाएगा। ये मतलब सब में ज़रूरी नहीं कि सब में ही लागू होता है, जैसे हाइड्रोजन में नहीं होता, हमारा लिथियम में नहीं होता, और भी हैं क्लोरीन वगैरह, तो अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं कि हर 2 टाइम्स होता है। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमें, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम और हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है और उसका एटॉमिक मास 7 होता है। तो अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे लिथियम, फिर 6ठे नंबर पे कार्बन आता है और फिर 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आता है। कार्बन का एटॉमिक मास 6, 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से मैंने अभी भी आप लोगों को बताया लगभग दुगना मान सकते हैं, तो 6 से दुगना कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, तो 12 एटॉमिक मास हो गया कार्बन का। 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आता है, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन जो आता है उसका अगर हम 2 टाइम्स करें तो 16 आता है। तो यहाँ पे जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है तो वो ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम और हाइड्रोजन बनता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा योग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, अमलगम इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ। देखिए अमलगम जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा अमलगम के बारे में, जब कभी हमें चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जब बैंडेज कराने के लिए जाते हैं तो बैंडेज कराते वक्त वो एक मलहम लगाता है, एक दवाई लगाता है जो डार्क ब्लैक मतलब डार्क ब्राउन कलर की हमारे को देखने को मिलती है। तो वो क्या होता है, वो अमलगम ही होता है, अमलगम का सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें देखने को मिलता है HG। HG मतलब पारा। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन सही है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच वन कम्स क्विकली कॉन्टैक्ट विद मेटल। देखिए मेटल के साथ बहुत आसानी से कॉन्टैक्ट कौन सी गैस कर लेती है। ठीक है, जितनी भी अगर मैं बात करूँ मेटल के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हो या लिथियम हो, ठीक है, ये चारों ही गैसेस अगर अपने आप में देखे जाए तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लिथियम जो सॉरी हीलियम जो है वो नॉन रिएक्टिव गैस, नोबल गैस है। कार्बन एक अलग तरीके से काम करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, कब का पेपर है, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉन रिएक्टिव गैस हीलियम होने की वजह से हीलियम जो है जल्दी से कांटेक्ट में आ जाता है इसके, मतलब हम यहाँ पे रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो कोई और ऑप्शन होता हमारे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और डाइमिथाइल, यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट काम करता है वो काम करता है। पहले ऑप्शन बताता हूँ कौन सा सही है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड हमारा सही है, सही ऑप्शन है। और फॉर्मिक एसिड सही क्यों है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, फॉर्मिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से फॉर्मिक एसिड का ये फॉर्मूला है COO। फॉर्मिक एसिड में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर आते हैं। ठीक है, COOH ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है और ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच क्वांटम नंबर कैन नॉट हैव इंटीग्रल वैल्यू। देखिए इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब एक होल नंबर हो सकता है जो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है हमारा एस, डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि जो एस क्वांटम नंबर है, एस क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एस क्वांटम नंबर हमारा
अगर हम एस एस क्वांटम नंबर की बात करें, अगर एस की वैल्यू हमारी 0 होती है, एस की वैल्यू हमारी 1 होती है, एस की वैल्यू हमारी 2 होती है, एस की वैल्यू हमारी 3, 4 एंड सो ऑन हो सकती है। यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है 0 हो सकती है मतलब, बट नेगेटिव में नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव में नहीं हो सकती। सॉरी, यहाँ पे हमारे को जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला है ना, वो एस का इसलिए मिला है, एस इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। नो, एस इज अ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब मैंने आप लोगों को समझाया था, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर हम समझाएं तो या तो प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। तो या जीरो नहीं हो सकती, प्लस हाफ हो सकती है, माइनस हाफ हो सकती है, बस इसके अलावा नहीं हो सकती। तो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कि भाई ये तो एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर ये कभी भी होल नंबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? एस आएगा, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एन होता है वो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, एन इसको टू जीरो, तब हमारा एस ऑर्बिटल होगा, एन इसको टू 1, 2, 3 एस पी डी एफ इस तरीके से होगा। तो वो मैंने एन के लिए केस समझाया था। तो यहाँ पे जो है स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी एक इंटीग्रल वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, कभी भी एक होल नंबर में नहीं हो सकता है। ये हमेशा इंटीजर में ही होगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस हैव। देखिए मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एक क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के ऊपर, सबसे पहली बात चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? शेल्स होती हैं। क्या होती है? शेल्स होती है, जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं के एल एम इस तरीके से, एस शो ऑन के एल एम एन हम लोगों को देखने को मिलती है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या पहले देखते हैं, शेल्स के अंदर क्या पाया जाता है। शेल्स के पाए अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, के अंदर 2, 8, 18, 32 इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ मिलते हैं? शेल्स में मिलते हैं। अब पार्टिकल्स कितने होते हैं? तीन तीन टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं किसी भी एटम के अंदर। एक तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पॉजिटिव। न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, जीरो चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो बचा वो नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और दोनों न्यूट्रॉन एक साथ। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पाए जाने के बाद इनका जो चार्ज निकल कर के आता है, वो न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव ही निकल कर के आता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हो सकता है कि वो दोनों कट जाते, अगर सेम अमाउंट होते तो फिर नेट वैल्यू जीरो आती, न्यूक्लियस वहाँ पे क्या हो जाता, हमारा न्यूट्रल हो जाता। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होने की वजह से अल्टीमेट जो चार्ज हमारे को, फाइनल चार्ज जो देखने को मिलता है, वो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं उसमें। अब न्यूक्लियस है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो देखिए कहाँ है, डी ऑप्शन है हमारा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन। इस बेसिक क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि ये 9th क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम, ये जो आप लोगों का 19 तारीख को लीड का 2022 का एग्ज़ाम है, इसे अच्छे से पढ़ करके दीजिए। अपने सारे सब्जेक्टों पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत टेंशन थी कि किस तरीके से हम लोग करें, कम टाइम में हम लोग काफ़ी सारा करना है, सर मुझे हमें कुछ बताइए केमिस्ट्री में। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया कि भाई कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमें सारा पेपर नहीं करना है कि भाई हमें 100 के 100 क्वेश्चंस करने हैं अटेम्प्ट, या जरूर मैं कहता भी नहीं हूँ कभी भी कि 100 के 100 क्वेश्चंस ही आप लोग अटेम्प्ट करो। यार गलत मत करो, नेगेटिव मार्किंग मत करो। अगर आपको 100 आते हैं तब करो, तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, तुक्के मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए
पाँच से लेके आठ क्वेश्चन आते हैं आईपी में। आईपी में हर बार का है कि आईपी क्या करता है कि क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे डालता है जो बच्चे नहीं कर पाते। अब ये तो आईपी नहीं बताता कि डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा से हम पूछ रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 11th 12th CBSE से पूछ रहे हैं, या कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आईपी नहीं देता हम लोगों को। या आईपी आप लोगों को भी ये सिलेबस नहीं देता कि भाई यहाँ से आप लोग करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन का छोड़िए, हम लोगों को उस पर ध्यान देना है जो बाकी के चार पांच क्वेश्चन बचते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आईपी में पूछे जाने वाले हैं। तो उन पे ध्यान दीजिए, इन्हीं टॉपिक्स को देखिए जो मैंने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं, वाटर को पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वाटर का एक क्वेश्चन आने के। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं मेरे को, मैं आप लोगों की क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं।